तीसरा दोष काल सर्प दोष। कहां से आया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा को जब सातित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गई और वृंदा ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता है और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं को। पर भोलेनाथ यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको काल सर्प दोष कहा। जिसको काल सर्प दोष कहते, इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले देके केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को निलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया। काल सर्प दोष लगता ही तुलसी के क्यारे में जल डाला दोष। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है।